और टाटा पावर लिए है मैंने 500 से, ये लिए 246 से, दोनों का भी 6-6 महीने का है। व्यू 6-6 महीने का है। हेलो, बट टाटा पावर का जो चार्ट है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि टाटा पावर का चार्ट बढ़िया लगता है। कंसोलिडेशन जोन है, जब ये 260 बार कर लेगा तो एक अच्छी तेजी आएगी, एक बहुत बढ़िया अपमूव था, फिर कंसोलिडेशन है, फिर एक फ्रेश अपमूव शुरू होगा। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, होल्ड तो होल्ड करिए इसमें भी। गावा सर रुकिएगा, अब एक जरा कंपनी की चर्चा करें, आनंद राठी वेल्थ के बारे में, जिसने अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे भेजे वो उम्मीद से बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। कंपनी की आमदनी में करीब 33% और मुनाफे में 41% की साल दर साल ग्रोथ देखी गई है। नतीजों पे बातचीत करेंगे और आगे क्या योजनाएं हैं उस पर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आनंद राठी ग्रुप के चेयरमैन आनंद राठी सर और साथ ही आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी CEO फिरोज अजीज। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सर CNBC आवाज पर। राठी सर, नतीजे तो बहुत ही शानदार हैं और हर फ्रंट पे हम लोग देख रहे थे कि क्लाइंट एट्रिशन हो वहाँ पे भी अच्छी है, न्यू क्लाइंट एडिशन हो वो भी बहुत बढ़िया है, AUM भी 16-17% का गया है। तो इस माहौल में क्या ट्रिगर्स थे जो इतने शानदार प्रदर्शन हुए? देखिए, मेन ट्रिगर वेल्थ मैनेजमेंट की कोई भी अगर बिजनेस है तो उसमें होता है कि भाई आपकी जो वैल्यू प्रोपोजिशन आप कस्टमर को जो दे रहे हैं, जो आप अपनी फिलोसॉफी कस्टमर को दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, वो कस्टमर को कितनी पसंद आती है और उसे कस्टमर को कितना फायदा होता है। तो हमारे पिछले इतने सालों का ट्रैक रिकॉर्ड जो है, हमने बड़ा अनकॉम्प्लिकेटेड एक सिस्टम दे रखा है, खाली 3 ही प्रोडक्ट्स उनको देते हैं और एज ए पैकेज यू नो होलिस्टिक एडवाइस देते हैं कि ऐसे करना चाहिए, जिसमें आदमी 12 से 14% 15% रिटर्न तक पा सकता है और वही ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। तो इस वैल्यू प्रोपोजिशन को लेते हुए कि भाई कम कॉम्प्लिकेटेड है, हम खाली अलग अलग प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, रोज जाके ये नहीं बात करते हैं, तो इसके कारण एग्जिस्टिंग कस्टमर्स भी खुश रहते हैं और नए कस्टमर में बढ़ोतरी होती है। और जैसे आपने कहा कि भाई पिछले एक साल में हमारे 19% कस्टमर बढ़े हैं, विच इज़ इन स्पाइट के भाई एक साल में मार्केट अच्छा नहीं रहा है, मार्केट ऑलमोस्ट स्टेग्नेंट है, बल्कि 2-3% कम हुआ, तो उसके बावजूद भी अगर क्लाइंट्स में बढ़ोतरी हो रही है, क्लाइंट का अट्रिशन नहीं हो रहा है, ये यही दर्शाता है कि हम लोगों की जो वैल्यू प्रपोजिशन है, हम लोगों की जो एडवाइजरी टाइप ऑफ सर्विस है, उससे कस्टमर खुश हैं और इसलिए ही रिजल्ट्स आपके सामने हैं। इसलिए रिजल्ट जो है लगातार, जब से हमने IPO किया आपने देखा रिजल्ट लगातार अच्छे आते जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही सर, दिसंबर 2020 से मैं अगर आंकड़ा देखूं तो लगातार एवरी क्वार्टर में बढ़ते बढ़ते अब ये 136 करोड़ तक पहुंच गया है। लेकिन सर अगर सीक्वेंसली देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो क्या देखने का तरीका मेरा गलत है कि उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, या इनको YOY ही देखना चाहिए, चाहे सेल्स का नंबर देखें चाहे प्रॉफिट का देखें? देखिए, मेरे ख्याल से YOY इज़ ए बेटर मेजर, क्योंकि उससे क्या है, साल भर का देखिए, हर तिमाही में हर एक दो महीने में कुछ डिफरेंट रीजन हो सकते हैं कम ज़्यादा होने के, तो कोई भी कंपनी की परफॉर्मेंस अगर देखें तो एक साल की देखनी चाहिए, इसलिए YOY इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने देखा YOY हमारा जो है ग्रोथ 40% इज एन एक्सेलेंट ग्रोथ कंसिडरिंग मार्केट कंडीशंस, पर्टिकुलरली हमारी AUM आपने जैसे कहा 16% बढ़ी है जबकि मार्केट नहीं बढ़ा है, तो यही चीज़ दर्शाता है कि इसमें फिर भी लोगों का एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का और हमारे पास इन्फ्लो आ रहा है और साथ ही साथ नए कस्टमर्स बनते जा रहे हैं, दोनों जगह जो ये हो रही है, इसलिए YOY इज आई थिंक इज फॉर एनी कंपनी फॉर दैट मैटर इज अ बेटर मेजर टू सी। ओके फिरोज, क्लाइंट एडिशन हुआ है खूब तगड़े से और 307 से 451 हो गया, मुझे थोड़ा सा ये बताइए किस तरीके के क्लाइंट प्रोफाइल के लोग ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत बड़े वाले अल्ट्रा HNIs या छोटे वाले HNIs, मतलब 5 से 50 करोड़ वाले या उससे ऊपर वाले या उससे नीचे वाले? नीरज जी नमस्कार, हमारे जो क्लाइंट सेगमेंट है, हमने प्राइवेट वेल्थ बिजनेस जो मेन बिजनेस है उसमें हमने 5 to 50 करोड़ की टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट कहीं ना कहीं हो उसको कहते हैं बैलेंस शीट, तो उसी सेगमेंट पे हमने फोकस किया, उसके ऊपर नहीं जाते ज्यादातर और उसके नीचे नहीं जाते, क्योंकि फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से एक वो एक स्पेसिफिक स्ट्रेटा में हमारा ब्रांड बिल्ड होता है। इन अ कमोडिटाइज बिजनेस एक हम ब्रांड बिल्ड नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक इंडियन वेल्थ मैनेजमेंट आउटफिट है और जो रूल्स हैं उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स पॉइंट वन।
तो 5 to 50 crore ब्रैकेट में ही हमारे क्लाइंट आते हैं नीरज जी, और उसी ब्रैकेट में आए हैं। अब ये आए क्यों है? क्योंकि बुरे वक्त में अच्छे वेल्थ मैनेजर और बुरे वेल्थ मैनेजर में अंतर ज्यादा समझ में आता है। तो बुरे वक्त में क्लाइंट अपने जो पैसे कहीं और लगे हुए हैं वो हमारे साथ कंसोलिडेट करते हैं, अपने दोस्तों के साथ जो दुखी होते हैं उनको हमें रेफर करते हैं, तो रेफरेंस बढ़ जाती है और बाहर के पैसे जो लगे हुए हैं वो आ जाते हैं। अच्छी मार्केट में एयूएम की ग्रोथ मार्केट की बढ़त से हो जाती है और सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है तो अपनी जो कमाई हुई पैसे हैं वो लगाते हैं, फ्रेश पैसा आता है अच्छे समय में और मार्केट मूवमेंट की वजह से एयूएम बढ़ता है। बुरे समय में पेनिट्रेशन बढ़ती है अच्छे वेल्थ मैनेजर की और रेफरेंस भी ज्यादा मिलते हैं, तो दिस इज हाउ वो डीरिस्क होता है ग्रोथ। इसीलिए हमने दसियों साल के लिए हमने 20-25% की ग्रोथ गाइडेंस इसीलिए दी है क्योंकि जो हमारे ग्रोथ के पिलर्स हैं वो इन्वर्सली कोरिलेटेड है। तो दैट्स द रीजन व्हाई द फिरोज आपने एक लाइन अभी उसमें बोली कि हम रूल डिसरप्ट करते हैं। क्या रूल डिसरप्ट करते हैं, मतलब कैसे इतना बढ़िया रिटर्न कमा के देते हैं, क्या ऐसा ट्रिक लगाते हैं? देखिए बड़ी सिंपल सी चीज है, रूल ये डिस्टर्ब करते हैं, अगर मैं एक उदाहरण के तौर पे दूं तो हम जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं काफी जज्बाती होकर लोग लेते हैं क्योंकि इन्वेस्टिंग जो है माइंड और दिल दोनों का खेल है, तो लोग जज्बाती होकर लेते हैं, हम मैथमेटिक्स के आधार पर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी के पैसे रियल एस्टेट में लगे हुए हैं तो हम उनकी पर एनम रिटर्न कैलकुलेट करके बताते हैं। आज तक कोई अपनी जो घर खरीदा हुआ एक्स्ट्रा जो किराए पर लगा उसकी पर एनम रिटर्न कैलकुलेट नहीं करता, फिर वो देखते हैं पर एनम रिटर्न 8.5% की है तो फिर निराश हो जाते हैं क्योंकि रियल एस्टेट में सब मल्टीपल 4 गुना हो गया मेरा पैसा, 5 गुना हो गया, ऐसे बोलते हैं। तो मैथमेटिक्स के आधार पे अगर आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो, दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, फिनेंस एक वेल रिसर्च सब्जेक्ट है, बहुत सारे मॉडल्स हैं जिसको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, उसका प्रयोग करके अगर आप एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो और उस पर निर्भर रहते हो तो एफिशिएंसी आ जाती है, रिटर्न अपॉन रिस्क। फिर हम उसको ऑडिट भी कराते हैं हमारे मॉडल पोर्टफोलियो की रिटर्न को वन ऑफ द बिग फोर से। तो फर्स्ट इज आप मैथमेटिक्स यूज करें, जज्बात ना यूज करें, दैट आई थिंक इज अ डिसरप्टिव थिंग एंड दैट्स वही देखता है कि अगर आप निफ्टी के ऑलमोस्ट इर्द गिर्द रिटर्न कमाते हो निफ्टी से 40% कम रिस्क लेके तो क्लाइंट संतुष्ट रहते हैं एंड वही दैट इज वन ऑफ द डिसरप्शंस। और मैं ज्यादा आपको बोर नहीं करना चाहूंगा लंबी स्टोरी देके, बट हम लोग किस दिन फिर जब आप स्टूडियो आएंगे तो हम लोग बात करेंगे। लेकिन फिरोज एक चीज और, पिछले एक साल में अगर आप देखें तो तमाम एसेट क्लासेस में बहुत वोलेटिलिटी, बहुत उतार चढ़ाव हुआ और मेरे ख्याल में ये चैलेंज रहा होगा, तो कैसे आपने एसेट एलोकेशन को बैलेंस किया, किस एसेट क्लास पर ज्यादा फोकस किया? नीरज सर, जैसे आपने कहा ना वॉलेटिलिटी एक हमारी जीवन का हिस्सा हो गया, स्पेशली इक्विटी में जो वॉलेटिलिटी है। अच्छा, बहुत जल्दी जल्दी होने लगी आजकल। पहले तो हम क्लाइंट को बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी होने लगी है, राइट? एक एक चीज से निकलते हैं दूसरी आ जाती है, एक से उभरते हैं फिर कुछ और आ जाता है। तो हमने क्या किया है कि हम अपने क्लाइंट को पैसे लगाने से पहले उसकी जो बुनियाद है वो ठीक से बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। उसका क्या मतलब है, मैं एग्जांपल देता हूं। अगर कोई पैसे लगाने के लिए नए क्लाइंट हमें आते हैं, हमारे पास आते हैं, तो हम उनको समझाते हैं कि इक्विटी में अगर आपको 2 से 3 गुना एफडी से ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना है तो एक डिसएडवांटेज भी है, हर साल लास्ट 21 साल में हर साल मार्केट 20% पीक से ट्रफ गिरी है एवरेज। अगर 2 बड़े साल हटा दूं जीएफसी के, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के और कोविड के, फिर भी 14.3% मार्केट ऊपर से नीचे हर साल दिखाती है एवरेज। इसकी तैयारी करे बगैर, मेंटली आप इसको तैयारी करे बगैर अगर आप पैसा डालेंगे तो आप हमेशा सरप्राइज होंगे, मार्केट क्यों गिर गई, मार्केट क्यों गिर गई, ये प्रश्न इसीलिए आता है क्योंकि आपने पहले वो डेटा नहीं देखा होता। तो वो सीजनिंग करने की वजह से जब बुरा वक्त आता है तो वो हमारे क्लाइंट ये नहीं ढूंढते, कारण नहीं ढूंढते, हमसे ये पूछते हैं हमें करना क्या है, वरना वो कारण ढूंढने में रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो 2,250 करोड़ की अंदाजन जो नेट मोबिलाइजेशन आ रही है उसमें 2/3 पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में आए, तो एवरेज निफ्टी नीचे होने पे अगर मैं 2/3 पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालूं तो जाहिर सी बात है 3-4-5 सालों में पैसे बनेंगे, राइट? वरना ये किताबी बात है कि ऊपर बेचें नीचे खरीदें, बट वो खरीदने के लिए जज्बातों को कंट्रोल करना पड़ता है। अगर ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट अगर आप क्लाइंट को लर्निंग कर्व पे ले जाते हैं बुरे समय आने से पहले तो उनका जो रैशनल डिसीजन होता है वो दिखाता है। फॉर एग्जांपल आप देखें 79,000 करोड़ की अप्रॉक्सिमेट नेट मोबिलाइजेशन है इक्विटी म्यूचुअल फंड में, अगर आप SIP हटा दें तो सिर्फ 5-7 हजार करोड़ एकमुश्त निवेश आया है, उसमें से हमारे 1,500-1,600 करोड़ क्योंकि हमारे क्लाइंट थोड़ा डिफरेंट बर्ताव करते हैं क्योंकि हम उनके जज्बातों को कैलिब्रेट करने की पूरी कोशिश जरूर करते हैं,
काफी बार सक्सेसफुल होते हैं, काफी बार नाकाम भी होते हैं। सही है सर, मनी इज ऑल अबाउट मैनेजिंग योर साइकोलॉजी, ये तो बिल्कुल सही है और आप लोग उसको अच्छे से मैनेज करें। आनंद सर ये बताइए मुझे कि चूंकि आपका जो प्रोडक्ट है किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट है मार्केट, और इस वक्त जो है मार्केट ना बहुत लोगों को एकदम रातों की नींद उड़ा देता है। अब देखिए कल ही क्या हुआ, नीचे फिर ऊपर, इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी दुनिया भर में हो रही है। तो कैसा आउटलुक ऐसा दिख रहा है आपको यहाँ से आगे जाते हुए इंडियन मार्केट खास तौर पर? देखिए मेरा मार्केट के बारे में, इंडिया मार्केट विल बिहेव डिफरेंटली देन अदर मार्केट्स, और मेरा ये मानना है कि अपना मार्केट जो है अच्छा रहेगा जाके, क्योंकि आज अगर सारे फैक्टर्स देखें इन स्पाइट ऑफ यू नो कि भाई इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है, सबको देखते हुए भी आज इंडियन इकोनॉमी की पोजीशन, आज जो ग्रोथ अपनी आ रही है वो दुनिया के और किसी देश में नहीं आ रही है और आगे जाके और आएगी। इसके कारण पीछे देखिए, पीछे जो अपने रिफॉर्म्स हुए हैं इंडिया में, दे आर फार रीचिंग रिफॉर्म्स। GST फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा है कि GST आने के बाद अब जो है जिस तरह टैक्स कलेक्शन में सुधार हो रहा है, आपने इनकम टैक्स में देखे टैक्स कलेक्शन सुधार हो रहा है। आज ही आपने देखा कि IMF ने बड़ी तारीफ की है कि अपने यहाँ जो यू नो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को जो प्रैक्टिस हुई, क्योंकि जो इतने बैंक अकाउंट खोले गए, तो ये सब चीज़ों का जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है वो आने में समय लगता है और वो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है और आगे जाके इसका और फायदा मिलने वाला है। और दूसरा जो जियोपॉलिटिकल रीजन है, आज चाइना में एक पीपल हैव टू मूव फ्रॉम डिपेंडेंस ऑन चाइना, वो आप ऑलरेडी आपने देखा हो रहा है, और इंडिया के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसलिए मेरा ये मानना है कि भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आए, ये क्या आदमी रोज की नींद इसलिए खराब होती है क्योंकि रोज आदमी यू नो ऊपर नीचे डेली मार्केट देखता है, आदमी ग्रीडी होता है कि मैं एक महीने में पैसा कमा लूँगा, तीन महीने में कमा लूँगा। ये मैं हमेशा सलाह देता हूँ कि ये संभव नहीं है। आप इस मार्केट में जब भी आइए, जब आपके पास 3 साल से 5 साल का पैसा हो, SIP लगाइए, आप कभी भी आप निराश नहीं होंगे। आप अगर 5 साल का क्यूमुलेटिव रिटर्न देखें किसी साल में, कभी नेगेटिव नहीं हुआ। तो इसलिए ये लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी एसेट क्लास है भाई। अभी तो दूसरे एसेट क्लास में कहाँ आदमी पैसा लगाएगा, आज रियल एस्टेट में कहाँ रिटर्न है, डेट के इंटरेस्ट रेट इतना कम हो गया है। तो ओवरऑल आई एम वेरी बुलिश ऑफ आवर मार्केट। देखिए उतार चढ़ाव वॉलिटिलिटी बढ़ती रहेगी, वो हमेशा होगा, परंतु लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए आज भी लगाने के लिए बहुत अच्छा मौका है और हर समय रहेगा, ये मेरा मानना है। बिल्कुल, बाजार में अच्छे निवेश के लिए पैसा लगाने का कोई समय खराब नहीं होता, लेकिन सर दिल है ना मानता नहीं है, सुबह उठ के देखना ही है मुझे जेएक्स निफ्टी किधर गया, डाउ किधर गया। ये तो बड़ा दिल लोगों का चंचल हो गया है। फिरोज एक सवाल और आपसे, करेंसी किसी तरीके का कोई रिस्क है क्या इंडियन मार्केट के लिए, चूंकि वो एक बड़ी ऐसी प्रॉब्लम बन गई कि हम ना चाहते हुए ब्याज दर उसी के चक्कर में बढ़ाते जा रहे हैं? नीरज सर, हमारे हिसाब से करेंसी ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम रही है, क्योंकि RBI के दो अकाउंट होते हैं जो कैपिटल और करंट अकाउंट होते हैं। अगर 45,000 करोड़ हर महीने FII बेच के ले गए पहले 6 महीने में, तो जाहिर सी बात है प्रेशर तो पड़ेगा करेंसी पे, बट रिलेटिवली हमने बहुत अच्छा आउट परफॉर्म किया है। मेरे हिसाब से अगर आप 15 साल का डेटा देखें तो 2.86% करेंसी डिप्रिशिएट कर चुकी है। तो अगर कोई भी करेंसी इंडियन रुपीज को अगर प्रोजेक्ट करना चाहता है तो 3 से 4% की आपको डिप्रिसिएशन की प्रोविजन करनी पड़ती है। फाइनेंस भी ये कहता है, एक इंटरेस्ट रेट पैरिटी की थियरी है जो कहती है कि आपको इंटरेस्ट रेट जो भी डिफरेंशियल है उतनी डिप्रिसिएशन आपको प्रोविजन करके चलनी चाहिए। सो दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, हमारे हिसाब से जो रिलेटिव स्ट्रेंथ आई है, माना कि करेंसी अप्रिशिएट हुई है, जैसे हमारी एक इंटरनेशनल ऑफिस भी है, तो क्लाइंट कहते हैं कि भाई उधर मेरा बहुत नुकसान हुआ ग्लोबल मार्केट में, चलो डेप्रिसिएशन 6-7% हुई है इस फाइनेंशियल ईयर में, बट वहां 20-25% का नुकसान हो गया। तो वो NRI लोग भी आज इंडिया में आने के लिए, इंडिया का आदर सम्मान NRI के मन में बहुत बढ़ गया है। दैट इज वन थिंग विच इज अ क्लियर ट्रेंड जो हम देखते हैं। और क्या है कि नीरज जी, एक डेफिनेटली एक उदाहरण देना चाहूंगा जो राठी जी भी कह रहे थे और आप भी कह रहे थे कि दिल और दिमाग दोनों का खेल है। वही आदमी मैं मिला था एक HNI से, वो कहते हैं कि भाई मुझे 2 साल में पैसा बनाना है इक्विटी में। मैंने पूछा सर आपने ये जो एक्स्ट्रा घर खरीदा था कितने साल पहले खरीदा था, उन्होंने कहा 22 साल पहले। वही आदमी रियल एस्टेट को 20 साल 22 साल देने के लिए तैयार है, गोल्ड खरीद के जिंदगी भर कभी गोल्ड नहीं बेचते, और परिवार वाले बोलेंगे ऐसा ऐसा वक्त आ गया कि तुम गोल्ड बेच रहे हो। इक्विटी और इक्विटी से पैसा बनाना है उनको 6 महीने में,
चलो अलग आदमी हो अलग चीज है. सो यू हैव टू मेक देम कॉन्शियस दैट तुम जज्बाती हो रहे हो और एक एसेट क्लास से कुछ अनफेयर एक्सपेक्ट कर रहे हो. 26 फंड हैं इंडिया में जो 25 साल कंप्लीट कर चुके हैं. इसकी मैंने एनालिसिस की. अगर आप ये 26 फंड में रोज पैसा लगाते और 10 साल बाद बेच देते तो सबसे बदनसीब इन्वेस्टर 9.5% पर एनम बनाता. अब इसके बाद रह क्या जाता है. अगर सबसे बदनसीब 9.5 बनाए और 1.5 से ज्यादा बनाए तो आपके हाथ में है कि 10 साल होल्ड करना है कि नहीं करना है. हर दिन पौधा लगा के आप निकाल के देखेंगे कि पौधा बड़ा कि नहीं बड़ा. फिर आप इल्जाम पौधे पे लगाएंगे या अपने बिहेवियर पे. सो ये हम एहसास दिलाते हैं उनको कि 10 साल होल्डिंग पे ये डेटा देखें तो आपको वो बुरे दिन में ना आपको इतनी हलचल नहीं होगी. ये डेटा देख दिखा दिखा के हम उनके जज्बातों को काबू में लाने की कोशिश करते हैं. बिल्कुल परफेक्ट है और नतीजे सामने हैं आपके आनंद राठी वेल्थ के, बहुत ही शानदार नतीजे. और जिस तरह से आनंद सर भी बता रहे थे कि इक्विटी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का गेम है. आप रोज रोज उठ के सुबह देखेंगे तो आपको दुख ही होगा. और जैसे अभी ना रियल इस्टेट में एक घर खरीदा 22 साल में उसका अप्रिसिएशन आप काउंट कर रहे हैं और स्टॉक में रोज़ सुबह उठ के, तो वो थोड़ा सा दिक्कत होती है. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आनंद सर, और फिरोज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. और बेहतर नतीजे और अच्छे पेश करें अगले क्वार्टर के लिए, इसके लिए और भी शुभकामनाएं. बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है. यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें.